हेलो बच्चों क्या हाल चाल आपके कैसे हैं आप देखो आज से आप मेरे वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत कर रहे हैं और आप उसको स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं कि कैसे प्लान करूं कैसे पढ़ाई करूं क्या हमारा सीक्वेंस होगा कैसे तैयारी करनी है एग्जाम कैसे देने हैं तो देखो मैं ना आपको आज कोर्स स्टार्ट होने के पहले एक छोटा सा आपको बता रहा हूँ तरीका पढ़ाई करने का जो मैं कभी अपने टाइम पे क्या करता था पढ़ाई कैसे करें जो टेस्ट आपके होंगे हमारे तरफ से उसको अटेम्प्ट कैसे करें रिविजन कैसे करें रिविजन कैसे करें ये सारी बातें जो है ना आज हम लोग क्या करें हाउ टू रिवाइज इन सभी बातों को हम सुनते हैं और बहुत अच्छी तरीके से फिर हम काम को आगे बढ़ाते हैं देखो जो क्लासेज मेरी गई हैं वो हम कैसे पढ़ें क्या तरीका होना चाहिए मेरे बच्चे इसके पहले ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में टोटल पेपर कितने हैं अगर मान लो टोटल पेपर चार है फॉर एग्जाम्पल फोर पेपर की स्टडी करनी है तो ये टाइम का डिविजन जो होना वो आपको खुद करना है कि मुझे फोर पेपर की तैयारी करनी है एग्जाम से पहले मैं कैसे इस काम को कर लू देखो तो एक सजेशन है कि अगर जो भी आपका एग्जाम डेट है आप पहले उसको पता कीजिए ये आपको पता होगा टेंटेटिव आपका डेट या एग्जैक्ट आपने कोशिश करना कि एनी हाउ इन एनी सरकमस्टांसेज फिफ्टीन डेज बिफोर तक बिफोर तक आपके पूरे के पूरे कोर्स खत्म हो जाए मतलब सारे पेपर सिर्फ अकाउंट से नहीं मैं सारे पेपर की बात कर रहा हूँ कि एग्जाम से पंद्रह दिन पहले तक आपके सारे पेपर खत्म हो जाए ये स्ट्रेटजी आपको बनाना है ताकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप रिविजन करें और इंजॉय करें ना अब मैं आपके आज जिस दिन क्लास आपने शुरू किया उस समय से लेकर ये जो पीरियड है इसमें पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए एक्चुअली अगर आपके पास फोर पेपर्स हैं, चार पेपर तो यहाँ पे मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, दो चार से होते हैं तो पता मैं क्या करता हूं मैं कोई भी तीन दिन एक दो एंड तीन इन तीन दिन में मान लो जैसे मैंने अकाउंट्स को पकड़ा और एक और कोई सब्जेक्ट कोई भी मान लो सपोज के लॉ को मैंने पकड़ा मेरा हमेशा तरीका क्या होता है कोशिश पूरा करता हूं कि एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी ताकि बोरिंग फील ना हो एंड बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करूं दो पेपर की तैयारी एटलीस्ट होनी चाहिए फिर बाकी जो तीन दिन आपके ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे इस तीन दिन में मैं क्या करता हूं बाकी जो मेरे दो पेपर हैं जो भी दो पेपर और आपके होंगे उनकी तैयारी मैं करता हूँ कोई जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में मतलब ये कॉम्बिनेशन बने ही बने कि प्रैक्टिकल थ्योरी का बट जनरली बन जाता है तो खैर आप इसको इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो मतलब कॉन्टिन्यूस बेसिस पे सिक्स डेज आपको इन ए वीक जो स्टडी करना है जो प्लान आपको डेवलप करना है उसके अंदर में क्या होगा जी एक दिन में दो पेपर बाकी दिन, तीन दिन में दो पेपर ऐसे स्टडी किया जाता है ये बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई करने का इसके बाद संडे का जो टाइम है आपके मस्ती का होना चाहिए दोस्तों के लिए रिलेटिव के लिए या फिर कोई चीज बीच में आप नहीं कर पाए या फिर आपका किसी कारणवश आप रूटीन को मेंटेन नहीं कर पाए तो एनी हाउ आपको क्या करना है वो संडे को पूरा करना है ये तरीका होगा पढ़ने का और अगर आप मेंटेन करना चाहे तो बहुत इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं Now, ये पहला पॉइंट हुआ दूसरी चीज मतलब हमेशा एक ही पेपर कॉन्टिन्यूस पढ़ के पहले खत्म कर लो फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे नहीं होना चाहिए इस तरीके से आपको चलना चाहिए दूसरी बात की अब मैं करता हूं अकाउंट्स का आप ये पॉलिसी सब पे अप्लाई कर सकते हो या आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर से बात कर सकते हो कि कैसे मैं स्टडी करूं मैं अकाउंट्स की बात करूं तो आपके पास जिस दिन कोर्स स्टार्ट किया और ये जो टाइम पीरियड है ना इस टाइम पीरियड में पता कर लो कितने डेज आपके पास है अकाउंट्स को स्टडी करने के लिए और उन डेज में जितने डेज आपके पास है फिर आप मेरी क्लास में टोटल आप नंबर ऑफ क्लासेज काउंट कर लो आपके क्लासेज है वो वन एंड हाफ आवर का है का का है, वन आर का है, वो टोटल आप देख लो, आपको समझ में आ एक दिन में देखूं ताकि मैं ये टारगेट को प्रॉपर तरीके से अचीव कर लूं फिर आप क्या करेंगे अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे पढ़ाई करते हुए भी आपको मेरी बुक जो आपके पास गई होगी उस बुक में पहले पेज पे जो मैंने इंडेक्स आपको दिया हुआ मतलब जो मैंने सीक्वेंस दिया हुआ है कोशिश करना वही सीक्वेंस को फॉलो करें क्योंकि उस सीक्वेंस को फॉलो करते समय आपने क्या मैंने एक बड़े अच्छे तरीके से सीक्वेंस डेवलप किया है कि पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए फिर क्या ताकि नॉलेज आपको प्रॉपर तरीके से हो वीडियो लेक्चर्स में कोई भी सीक्वेंस बोलूं आप उसको फॉलो नहीं करना आपके बुक में जो मैंने सीक्वेंस दिया हुआ है इंडेक्स के अंदर में उसी सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे हाँ अगर आप छोटे बच्चे प्यारे प्यारे इलेवन ट्वेल्थ क्लास के बच्चे हैं तो आपको क्या करना चाहिए सीक्वेंस को फॉलो करते समय आप चाहे तो आप अपने क्लास के बच्चे तो मेरे बुक के सीक्वेंस भी फॉलो करें चाहे आपके जो टीचर से कुछ भी कहें क्योंकि यहाँ पे मोटिव आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट गेन करना है जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बनाकर दिया है वही तरीका पढ़ना चाहिए ट्वेल्व क्लास के बच्चे क्योंकि आपके पास तीन सीगमेंट हो जाते हैं अकाउंट्स के अंदर में भी तो आपने क्या करना अपने स्कूल के मुताबिक आप चलें सिगमेंट को पकड़ के लेकिन एक ही सिगमेंट को यानी कि एक यहाँ एक वहाँ ये काम आपको नहीं करना है मैंने ये जनरल बता रहा हूँ सारे बच्चों के लिए चाहे वो एलेवन ट्वेल्थ क्लास के बच्चों हो चाहे सी ए सी फाउंडेशन इंटर फाइनल जो भी हो सब के लिए बात कर रहा हूँ तो ये आपका पढ़ने का तरीका होगा इसमें कोई डाउट नहीं सर पूछ लो कुछ है तो सर कैसे पूछो डाउट सेशन के टाइम पे रहता हूँ चार से सात हमेशा आपके लिए आप अपने क्या करना है कि आपने मेरे जो डाउट सेशन का नंबर है उसमें आप व्हाट्सअप कर दीजिए मैसेज को लिखकर या लिखने से भी अच्छा है मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ कि जिस क्वेश्चन में या जिस पॉइंट में आपको डाउट है उसका स्क्रीन शॉट लेके मुझे व्हाट्सअप कीजिए मेरे नंबर पर डाउट सेशन का और उसके बाद आपने क्या करना है अपना वॉइस को रिकॉर्ड करके आपको बताना कि उसमें क्या डाउट है जैसे ही आपका नंबर आएगा मैं फटाफट आपको रिप्लाई कर दूंगा कॉल नहीं करना क्योंकि उसे अननेसेसरी दूसरे बच्चों के डाउट्स जो लेता रहता हूँ तो वो भी खराब हो जाते हैं तो ये अच्छा रहेगा सिक्वेंस जब मुझे खुद लगेगा कि मुझे कॉल करना है तो मैं खुद कॉल करके आपको जवाब दूंगा बट ये हम फॉलो करेंगे नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आप लैक करते हो हमेशा देखा गया है वो है आपका हाउ टू अपेयर फॉर टेस्ट सीओसी सी की तरफ से जो टेस्ट आपके होते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो टेस्ट को हम कैसे आपका अटेम्प्ट करें हो सकता है कि कोई बच्चा एक महीना पहले क्लास लिया है कोई बच्चा दो महीने के बाद लिया हुआ है तो मेरे बच्चे अगर आपने जिस चैप्टर का टेस्ट हो रहा है अगर वो चैप्टर अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे बेस्ट तरीका आप उस चैप्टर को उस टेस्ट को डाउनलोड करके अपने पास रख लो और डाउनलोड करने के बाद फिर क्या करना है कि आपने जब वो पेपर आप जब वो चैप्टर आप एंड कर लेंगे हंड्रेड तो परसेंट आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे मतलब वो टेस्ट आप करेंगे ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ जी अब मुझे सब कुछ आता है कुछ दिक्कत आएगी हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन बेस अपने साइट पे ही लॉन्च करने का तो हो जाएगा तो आपको पता चले जाएगा नो डाउट आप इसमें रहेंगे दूसरी बात अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा आप एक्टिव रहेंगे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं कुछ अमेंडमेंट आते हैं कुछ चेंजेस आते हैं तो वहीं पे मैं आपको बताता हूँ ठीक है ना और आप पढ़े खूब मस्ती करें कुछ बचा नहीं हाउ टू रिवाइज दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे बच्चे ध्यान रखना आप जब कोई एंड कर लिए सपोज दैट क्या किया चैप्टर वन को एंड कर लिया नाउ मैं कहता हूं कि सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आप इसका पूरा का पूरा एक बार रिविजन कर लो रिविजन सारे क्वेश्चन को हम लोग हाथ से लिख के प्रैक्टिस नहीं करते रिवीजन करने का तरीका होता है कि आपने क्या क्या उस चैप्टर में कोई भी दो तीन क्वेश्चन जो भी आपको अच्छे लगे एक सिंपल एक एवरेज एक टफ आपने एक बार हाथ से प्रैक्टिस कर लिया और फिर आप नोट्स पलटते चले गए अच्छा सर ने इसको ऐसे करा इसको ऐसे करा इसको ऐसे कराया इनकेस आप कोई कॉन्सेप्ट भूल गए कोई क्वेश्चन का आंसर भूल गए तो फटाफट क्या करना है आपको आ, वीडियो क्लास में जाके वहां पे एक बार रिवाइज कर लेना मतलब पहले कोशिश करना जो आपने नोट्स बनाए उससे रिवीजन करें

तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम थोड़ा लगेगा बट आपको मजा आएगा क्योंकि इस 15 डेज में क्या करना आपको दोबारा रिवीजन का मतलब लॉजिक नहीं समझ में आएगा मन नहीं करेगा फिर चैप्टर शुरू करने के पहले एक बार तीनों का रिवीजन कर लो बहुत आधे आधे घंटे का टाइम लगता है रिविजन करने में और ये सारा काम मेरे हिसाब से अगर आप बहुत सीरियस बच्चे हैं और रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो संडे आपके पास बेस्ट है सर फिर हम खेलना कूदना बंद कर दें दोस्तों से बात करना बंद कर दे मम्मी पापा से बात करना बंद कर दे नहीं बच्चे ऐसे थोड़े बोल रहा हूँ आप करो ना बात लेकिन ट्वेंटी फोर आवर्स थोड़े बात करते रहोगे पूरे दिन में समझ लो खेलना चौबीस घंटे थोड़े होगा आप इंजॉय करो मस्ती करो आपको मैं कभी नहीं रोकता लेकिन कुछ समय तो आपको देना पड़ेगा स्टडी को अगर आपका सपना अच्छे मार्क्स लाना है और अच्छा पढ़ाई करना है तो

ह्यूमन नेचर है बोलना तो ऐसा नहीं होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपके लिए बता दूं कि किसी भी हालात में किसी भी हालात में आपको टेंशन नहीं होना चाहिए स्ट्रेस नहीं लेना है वो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे स्कूल में कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी में अपने इंस्टीट्यूट के अंदर में मुझे रैंक लाना है टॉप होना है ये सब नहीं सोचना है ये कोई सोचता नहीं है और जितने भाषण आप सुनते हो ना कि मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि मैं रैंक ही लेकर आऊंगा या टॉप ही करूंगा और मैंने किया ऐसा कुछ नहीं होता कोई फ्यूचर नहीं जानता और जो सोचता है ना मेरे हिसाब से वो रैंक ला भी नहीं सकता आपको कॉन्टिन्यूस स्टडी करना है आपको सब्जेक्ट को समझना है आपको उसमें इंटरेस्ट लेना है ना कि आपको मार्क्स के बारे में सोचना है मार्क्स अपने आप आ जाएंगे अगर आप परफेक्ट हो जाते चीजों के अंदर में तो तो मेरे कहने का मतलब कि स्टडी के टाइम पे भी एग्जाम के टाइम पे भी स्ट्रेस लेवल आपका कम रहेगा स्ट्रेस लेवल कम पढ़ाई कीजिए आप इंजॉय करेंगे मुझे पता है इस बात को तो आप इसको फॉलो कीजिए और डाउट सेशन के टाइम पे हमेशा आपके लिए हूं मैं है ना आप उसको मुझे विश्वास कि जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि मतलब सर की रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई डाउट सेशन की है. आप उस समय मुझसे अपना डाउट सेशन ले सकते ठीक है ना चलो आप पढ़ाई कीजिए आगे बढ़िए और कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपके लिए हमेशा हूँ हमारी टीम आपके लिए हमेशा है आप कभी भी कोई दिक्कत होगा तो आप उनसे बात कर सकते हैं आप सबको बाय बाय टाटा ऑल द बेस्ट बच्चे थैंक यू थैंक यू जी स्टार्ट कीजिए स्टडी अपना थैंक यू <laughs>